आज वुमेन्स डे है। हमारी पूरी टीम की ओर से देश भर की उन तमाम महिलाओं को सलाम जो अपनी जिंदगी में किसी सुपर वुमेन से कम नहीं है। तो आज वुमेन्स डे पर बात एक ऐसी महिला अफसर की जो समाज के लिए एक प्रेरणा है। आज बात महिला अफसर नितिका गहलोत की। नितिका गहलोत हरियाणा के हांसी पुलिस जिला की पुलिस कप्तान है। आईपीएस निकिता गहलोत के काम के प्रति लगन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने केवल 10 दिन का मैटरनिटी लीव लिया और 11वें दिन वो अपनी नवजात बेटी को गोदी में लेकर जिला पुलिस कार्यालय में ड्यूटी पर पहुंच गई। कार्यालय में तैनात सभी कर्मचारी एसपी मैडम का काम के प्रति जुनून को देखकर दंग रह गए। महिलाओं के लिए मिसाल बन चुकी एसपी नितिका गहलोत वर्तमान में अपनी बेटी को गोद में लेकर कार्यालय में जनता की फरियाद सुनती हैं और तमाम जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करती हैं। अक्सर शाम 5 बजे के बाद भी उन्हें फरियादी सुनते हुए कार्यालय में देखा जा सकता है। बीते करीब 2.5 सालों से हांसी पुलिस जिला की कमान संभाल रही आईपीएस निकिता गहलोत ने क्षेत्र में क्राइम की गतिविधियों को रोकने के लिए कई पहल की। पुलिसिंग को लेकर वो पूरी एक्टिव मोड में रहती हैं, छोटी छोटी घटनाओं पर स्वयं नजर रखती हैं। बीते साल पूरे देश में साइबर अपराध के मामले को सुलझाने में दूसरे नंबर पर रही व नशे के मामले को पकड़ने में तीसरे स्थान पर। इसके अलावा 4 किलो अफीम का हाई प्रोफाइल मामले में एसपी नितिका गहलोत की अगुवाई में जिला पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। इस मामले में नेपाल से महिला सरगना को गिरफ्तार किया गया। वाहन चोरी के मामले में भी हांसी पुलिस ने उनकी अगुवाई में काफी सफलताएं हासिल की हैं। पूरी शिद्दत के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही एसपी नितिका गहलोत महिला सशक्तिकरण के मामले में क्षेत्र में चर्चित नाम बन चुकी हैं। एसपी के काम की प्रति लगन को देखकर क्षेत्र की महिलाओं को प्रेरणा मिल रही है। हालांकि इस बारे में जब स्वयं एसपी से पूछा जाता है तो उनका सीधा सा जवाब होता है कि वो अपनी सामान्य ड्यूटी कर रही हैं। आईपीएस अधिकारी होती हुए भी वो बेहद सादगी के साथ रहती हैं और कर्मचारियों के साथ बेहद सलीके से पेश आती हैं। आईपीएस नितिका गहलोत समाज की तमाम महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई हैं, जो ये दिखाती हैं कि महिला पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।